हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, मीन्स संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। आप बिल्कुल बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और इसको एंड तक विजिट कीजिए, अंत तक देखिए, तब शायद आपके मन में कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के बारे में कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बच्चों, कंजर्वेशन एक शब्द है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। जैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पढ़ा होगा, तो ऐसे भी मीन्स इसी टाइप का एक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अभी जैसा कि आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बंदूक से निकली हुई गोली, जब गोली बच्चों आगे की तरफ निकलती है तो बंदूक पीछे की तरफ अपना झटका देता है, इसे हम जानेंगे। रॉकेट की गति, जब रॉकेट आगे की तरफ मीन्स उसका धुआं पीछे की तरफ जाता है तो रॉकेट आगे की तरफ गति करता है, ऐसा किस कारण से होता है, इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहाँ निहित है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किन किन नियमों के अंतर्गत आता है, किस किस नियम से इसकी पुष्टि की जा सकती है, तो हम लोग बिल्कुल जानेंगे। तो मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर ए के रंजन और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस के सौजन्य से कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, मीन्स संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इसको हम कई रूपों में परिभाषित कर सकते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। सही है। तो आइए सबसे पहले जाने क्या है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। तो हाँ, अभी हम बताने वाले थे तीन टाइप्स हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। एक तो सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम के हिसाब से, एक किसी पिंड के हिसाब से, और एक दो वस्तुओं के टक्कर के हिसाब से। कोई भी वस्तु है बच्चों तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, इसको आगे हम लोग पढ़ पाएंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में। माना कि यह केवल एक ही पिंड है और यहाँ दो द्रव्यमान हैं ए और बी, तो इन तीनों के आधार पर हम कैसे मीन्स इस नियम का सत्यापन, मीन्स इसका परिभाषा डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं। तो किसी भी पिंड के अंदर स्थित, किसी भी सिस्टम के अंदर स्थित, उसके अंदर प्रेजेंट एवरी पार्टिकल्स, प्रत्येक कण का संवेग सदैव समान एवं सुरक्षित होता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न हो तब तक किसी भी निकाय में उपस्थित सभी द्रव्यमानों का, सभी कणों का कुल संवेग सदैव सुरक्षित होता है, समान होता है, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। तो इसके अंदर जितने पार्टिकल हैं, इसका मान लेते हैं मोमेंटम है P1, इसका है P2, इसका है P3 डैश 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 PN, मीन्स P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश PN इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट व्हेन देन अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, मीन्स उस पर कोई बल आरोपित नहीं हो। हमारी बात समझ रहे हैं, एफ नेट जीरो हो। तो ऐसी स्थिति में किसी भी मीन्स वस्तु के अंदर जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं सब का टोटल मोमेंटम जो होता है वो बच्चों कांस्टेंट होता है, नियत होता है, अचर होता है, बदलता नहीं है। चलिए दूसरे तरीका से देख सकते हैं हम ऐसे भी, तो किसी वस्तु का संवेग सदैव समान और सुरक्षित होता है। कब तक? जब तक कि वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। अगर यह कोई वस्तु है बच्चों, m1 इसका मास है और इसकी वेलोसिटी v1 है
और इसमें संवेग जो है मोमेंटम है वह पी वन है। यह पी वन हमेशा प्रत्येक स्थान पे, यहाँ भी पी वन होगा, अगर यह यहाँ आती है तो यहाँ भी पी वन, यहाँ भी पी वन, अगर यह वस्तु यहाँ पे आती है हर जगह इसका जो मोमेंटम होगा वह निश्चित रूप से पी वन होगा। कब तक? जब तक इस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो तब तक। सही है क्या आपके मन में यह बात आ रहा है? तीसरे तरीका हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं तो टक्कर के पहले इन वस्तुओं का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। माना कि यह वस्तु जो है यहाँ टक्कर हो रहा है, टक्कर के बाद ये वस्तु हो गए, इसका हो गया m1, इसका मास m2, चलिए यहाँ पे टक्कर हो रहा है। सही है, सब लोग समझ रहे हो? यहाँ पे मान लो टक्कर हो रहा है, ऐसा समझ लेते हैं। चलिए अपने दोस्त को समझा, ध्यान देना, देखना है, समझना है। एक वस्तु है बच्चों ये और एक दूसरी वस्तु है b, इसका मास है बच्चों m1 kg और इसका मास है m2 kg। सही है, यह बच्चों चल रही है u1 मीटर पर सेकंड से और यह चल रही है u2 मीटर पर सेकंड से, और t सेकंड के बाद आफ्टर t सेकंड दोनों में इंट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच टक्कर होता है, यहाँ पे इन दोनों में टक्कर होता है। सही है, टी सेकंड के बाद तो ये वस्तु ए है, बी है और यहाँ पे हो गया है टक्कर। सही है, चलिए तो टक्कर के बाद इसका तो मास वही रहेगा एम वन एम टू के जी ही होगा, और टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं का बच्चों वेलोसिटी जो है वो बदल जा रहा है, मास तो चेंज होगा नहीं, एम वन के जी वस्तु ए है, वस्तु बी है m2 kg, बट टक्कर के बाद बच्चों इनकी वेलोसिटी क्या है बदल जा रही है, इसकी वेलोसिटी हो जा रही है v1 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी हो जा रही है v2 मीटर पर सेकंड, और टक्कर के बाद यह वस्तु इस पर फोर्स लगाती है, यह इस पर फोर्स लगाती है, ए बी पर फोर्स लगाती है, एफ बी ड्यू टू ए मीन्स बी पर ए द्वारा लगाया गया बल, और ए पर एफ ए बी, ए पर बी द्वारा लगाया गया बल, दोनों एक दूसरे पर बच्चों बल लगाती हैं। सही है, बात सब लोग समझ रहे हो? क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत? न्यूटन के तीसरे गति नियम से, न्यूटन के दूसरे गति नियम से तो सिंपल हम सत्यापन कर सकते हैं, तीनों नियमों से हम सत्यापन करेंगे जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन के तृतीय गति नियम का एक एग्जांपल कि जब दो वस्तु एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं तो टक्कर के पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। बच्चों इससे भी हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कहता है। सर टक्कर के पहले इसका संवेग बताइए m1 u1, इसका संवेग होगा बच्चों m2 u2, टक्कर के बाद इसका संवेग m1 v1 प्लस m2 v2, ये होता है, यही प्रूफ करना है। सही है, फिर से ध्यान देना है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं तो टक्कर के बाद इसका जो मोमेंटम होता है टक्कर के पहले के मोमेंटम के बराबर होता है। इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम। समझ रहे हो सब लोग? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो चलो आ जाओ, इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। कह रहा है कि जब दो वस्तु में टक्कर, तो चलो पहले यहाँ पे आ जाते हैं, मास m1 है और m2 है। सही है, तो यहाँ लिख दिया जाए फॉर ए, चलो पिंड ए के लिए, पिंड ए के लिए फाइन इनिशियल इनिशियल मोमेंटम
मोमेंटम बॉडी के लिए, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, एम वन यू वन पी वन इज इक्वल टू मान लिया एम वन यू वन, फाइनल मोमेंटम पी टू। चलो इसका यहाँ है बच्चों एम वन वी वन, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन, सही है, तो दोनों में एम वन कॉमन ले लो, वी वन माइनस यू वन, सही है, सब लोग समझ रहे हैं। एम वन माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, वी वन। अब चलते हैं रेट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको आप कह सकते हो बच्चों डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एम वन वी वन माइनस यू वन अपॉन डेल्टा टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो या चलो इसको रहने दे रहे हैं अभी, सब लोग समझ रहे हो, चलो थोड़ा सा ध्यान दो। चलो क्या आपने अभी रहने दे रहे हैं, चलो ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से, चलो थोड़ा सा आगे ध्यान दो। इनिशियल मोमेंटम फॉर पी फॉर बी, दूसरी वस्तु के लिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम टू यू टू, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम टू वी टू चेंज इन मोमेंटम एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू अपॉन टी, सही है, चलो थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा है। अब तो तुम लोग सब लोग समझ रहे हो, सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो, बस थोड़ा सा यहाँ समझना है क्या है। पहले इक्वेशन में आते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है बच्चों एफ, एफ एफ मीन्स वस्तु ए का जो मोमेंटम है, वस्तु ए पर लगने वाला फोर्स, बी के द्वारा लगाया गया फोर्स, ए पर लगने वाला फोर्स बी के द्वारा। तो आप इक्वेशन फर्स्ट से पहले तो इसको क्लियर कर लो, चलो इसको लिख देते हैं चेंज इन मोमेंटम, पहले इसी को लिख दे रहा है चेंज इन मोमेंटम मीन्स डेल्टा पी, इसको चलो मान लेते हैं पी वन, इसको पी टू, देखो हम इसको सबसे पहले लेके चल रहे हैं, इसको एम टू वी टू माइनस अपॉन टी, तो चेंज इन मोमेंटम इतना हो गया, रेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू एम टू कॉमन ले लो वी टू माइनस यू टू अपॉन टी। चलो तो बी के लिए क्या है बच्चों, एफ आप इसको लिख सकते हो जो क्या है डेल्टा पी बी अपॉन टी एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, चलो थोड़ा सा इक्वेशन इसको इक्वेशन सेकंड मान लो,
इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ए केवल लिख दो, चलो ए के लिए है, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी एम वन बी वन सही है। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, सब लोग समझ रहे हो हमारी बात? चलो तो रेट चेंज ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अब आ जाते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ ए बी मीन्स ए पर आरोपित बल बी के द्वारा इज इक्वल टू एफ बी ए बी पर आरोपित बल ए के द्वारा, दोनों आपस में बराबर होते हैं बस डायरेक्शन भिन्न होता है। तो एफ ए बी को आप लिख सकते हो बच्चों डेल्टा पी ए अपॉन टी, चलो टी ही लिख दो कोई बात नहीं है, माइनस आप इसको लिख सकते हो डेल्टा पी बी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, या आप सीधे पहले भर दो, इसका वैल्यू तो आया ही हमारे पास, बाद में कैंसिल कर रहे हैं। इसका आया हुआ है बच्चों एम वन वी वन माइनस यू वन अपॉन टी माइनस, इसका भर दो एम टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी, सही है, सब लोग समझ रहे हो, टी से टी कैंसिल हो गया मर गया, चलो आ जाओ तो गुना कर लो एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, चलो यहाँ से गुना करना है बच्चों माइनस एम टू वी टू प्लस एम टू यू टू, सही है। चलो एक साइड लेके आ जा रहे हैं इसको, इसको इधर लेके आ रहे हैं यू को यू, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू, इसको लेके आ रहा है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं, पहले इसको लिख दे रहा है एम वन, समझ रहे हो सब लोग, एम वन यू वन एम टू यू टू एम वन वी वन प्लस एम टू यू एम टू वी टू। तो जब हमने इसको जांचा ये है क्या बच्चों, तो ये है टक्कर के पहले, टक्कर के पहले का ये बच्चों मोमेंटम है, समझ रहे हो, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और यह बच्चों है टक्कर के बाद बच्चों फाइनल मोमेंटम, सही है। तो इस प्रकार हम इसका सत्यापन और भी कई तरीकों से करेंगे, हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जो मोमेंटम है यह हर जगह सत्य है, टक्कर के पहले वस्तु में जितना संवेग था उसके बाद भी उतना ही संवेग है, इसका मतलब संवेग का नाश नहीं होता है, ना तो इसका निर्माण होगा ना इसका विनाश होगा, केवल कंजर्वेटिव है, संरक्षित है, सुरक्षित है, यह हमेशा कांस्टेंट है, अचर है, सबके मन में आ रहा है। तो यदि आपने इस सत्यापन को अच्छी तरह से समझ लिया है और संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।